बाजार में भी थोड़ा तो गुड दिख रहा है, सस्टेन करेगा? हाँ एक्चुअली कल से 17,800 से निफ्टी ने टर्न लिया है, रिवर्सल दिखाया है थोड़ा बहुत। तो एक्चुअली तो ये थोड़ी मूव एक्सपायरी की वजह से भी हो सकती है, पर अगर वो 17,1800 को ब्रिच नहीं करता है तो फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। पर अभी मैं जो भी मैं बताऊंगी आपको निफ्टी के लिए, वो 2-3 दिन के लिए, मतलब वो छोटा मूव ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी जब आई थी मैंने तब आपको बताया था कि वो मंथ, ईयर एंड क्वार्टर एवरीथिंग इज चेंजिंग आफ्टर दिस एंड ऑफ दिसंबर। तो बाद में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं। तो अभी के लिए निफ्टी के बारे में मैं बताऊंगी कि मॉर्निंग में कल से तो बहुत बड़ा रनअप ले लिया, पूरे पूरा दिन वो चला, आज हाई बनाया 18,141 का, और वहां से अगेन वो इट केम डाउन। तो अभी वो 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो अगर वो 17,900 को अगर ब्रिच नहीं करता है तो मुझे 18,160 एंड 18,200 तक का रेंज दिख रहा है अभी। तो मैं थोड़ा ही नज़दीक का व्यू ही बता सकती हूँ, अभी वापस से देखना होगा फिर। ठीक है, तो एक छोटा व्यू, क्योंकि बड़े बहुत सारे फैक्टर्स, वीकेंड, मंथ एंड एक्सपायरी, सब कुछ खत्म, सब कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, बदलेगा, नया साल होगा, वो साल दूसरा होगा, ये साल दूसरा है, तो उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर साल होगा, लेकिन तब क्या स्ट्रेटेजी बनेगी उसके आगे के हिसाब से, तो वो तब देखेंगे। फिलहाल एक छोटा व्यू इन लेवल्स पे है नजर, 17,900 कह रही है मैम, 17,900 पे नजर है। हाँ 17,900 से, मतलब वो यहाँ से अगर वो 17,900 के नीचे फिसलेगा तो वापस से वो नीचे में 17,800, और जी 17,800 के नीचे जाएगा तो अगेन इट कैन टेक सपोर्ट अराउंड 17,17,700। तो वहां तक का मुझे दिख रहा है, अगर वो 17,900 नहीं ब्रिज करता है तो डेफिनेटली वी कैन मूव टुवर्ड्स 18,200 और सो लेवल। ठीक है, तो वो और आज भी एक बड़ी रेंज ऑलरेडी दिखा चुका है और उस रेंज के बीचों बीच में काम कर रहा है। 17,970 से थोड़े सा नीचे टच करके आया था, लेकिन 18,134 तक भी गया है, अभी बीचों बीच में 18,038 के आसपास काम करता हुआ। तो देखना यह होगा कि कोई वापस ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी 100 पॉइंट वहां से हाई से नीचे आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ करीब करीब उतना ही स्कोप जो है नीचे की तरफ भी है जहां से हम ऊपर, तो बीचों बीच में है, देखते हैं किस तरफ निकलता है। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट, वीकली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट, और यही एनुअल क्लोजिंग भी होगी, तो वो सारी चीजें भी, और एक्सपायरी के हिसाब से भी नजर रखना होगा, क्योंकि परसों ये मंथली एक्सपायरी भी आएगी। ठीक है अनिता मैम, एक साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी पे भी व्यू दे देते हैं। बैंक निफ्टी ने भी सेम मूव दिखाया यस्टरडे, जो लो बनाया था वहां से लेके अभी 42,900 का नजदीक का लेवल बनाया है हाई में। तो 43,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है, उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है अगर ऊपर की मूव चाहिए तो। इफ इट इज एबल टू क्रॉस 43,000, उसके ऊपर जा रहा है तो ही हम लोग 43,200 तक का लेवल और उसके ऊपर जाने के बाद आगे के लेवल्स खुलते दिखेंगे। 43,000 लेवल इज अ क्रूशियल लेवल, और नीचे में सपोर्ट में 42,300 वो अगर ब्रीच होता है, आज के लिए मेरा स्टॉप लॉस भी वही होगा अगर वो कुछ भी बाई करना है तो। 42,200 ब्रीच नहीं करता है तो वापस से हम 43,000 तक चलेंगे, पर अगर वो ब्रीच कर देता है तो फिर अगेन वो नीचे का लेवल शुरू हो जाएगा। सो आज के लिए तो ये लेवल पे ही ध्यान रखना पड़ेगा, और बड़े टारगेट के लिए, मतलब ये अभी रेजिस्टेंस में ही है, दो एकदम बीचों बीच ही है यही भी। 42,735 क्रॉस होने के बाद उसका मुंह अच्छा दिखेगा और 43,000 तक जाएगा, और 43,200 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं, लेकिन अगर आप देखिए इसको, आपके सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये पूरे एक वीक का चार्ट है, इसके हाईज जो कि 43,500 के आसपास, और लोज जो कि 41,600 के आसपास, और उसके ठीक बीचों बीच में अभी काम करता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं रेंज के बीचों बीच में है। लेकिन सिर्फ अगर आप ग्रीन साइड देखना चाहें, ऊपर की तरफ देखना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि पिछले कल भी तेजी के साथ में था और आज भी सस्टेन कर रहा है, तो एक ही दिन में या ओपनिंग के साथ में कम से कम उस तेजी को फिजल आउट तो नहीं होते हुए देखा हमने, तो सस्टेन कर रहा है। तो अगर आप
ऑप्टिमिस्टिक देखना चाहेंगे तो वो भी आपको दिख सकता है, और लेकिन अगर आप चिंता करना चाहेंगे तो आपको ये भी दिख सकता है कि उसके ऊपर नहीं जा रहा है, उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा है फिलहाल, तो ओपनिंग में अभी सुबह की बात करें, ठीक कह रहा हूँ मिता मैम? यस यस ठीक है, तो दोनों तरीके इसलिए बहुत ही बिल्कुल बीचों बीच में हम हैं, और दोनों तरीके का व्यू, और आप जैसे देखना चाहें उसको वैसे देख सकने वाले स्थिति है, लेकिन थोड़ी देर में या आज की क्लोजिंग तक थोड़ी और स्थिति शायद क्लियर होगी, ठीक है।